कोई माइका लाल इंक्रोच नहीं कर सकता। और जो बात एक मिश्रा कह रहे थे, एक के दधीच होने से काम नहीं चलेगा, लेके आया एक मिश्रा जी बुलडोजर को लेके मुझे दो चित्र समझ में आते। एक तो भारत की राजनीति में यह स्थायी प्रतीक हो गया अभी बुलडोजर, ठीक, और कम से कम 10-20 साल तक यह बड़ा सिंबल रहेगा, इसके पक्ष में खड़े हो या विपक्ष में खड़े हो, लेकिन बुलडोजर को बीच में रखना पड़ेगा, ठीक। राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी, ममता बनर्जी को भी, योगी आदित्यनाथ को भी, शिवराज सिंह चौहान को भी, ठीक। अब बुलडोजर अलग नहीं हो सकता, उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती, उसके पक्ष में खड़े हो चाहे विपक्ष में, इसलिए केंद्रीय मुद्दा हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये पूछना समझना चाह रहा हूं कि जब कोई भी अवैध निर्माण गिराया जाएगा, ठीक है ना, तो ध्वस्तीकरण की सामान्य प्रक्रिया आज पैदा तो हुई नहीं। ये देश में स्पीड इसकी कम रही, लेकिन देश में यत्र तत्र सर्वत्र चलती रही। ध्वस्तीकरण का नोटिस होता है, ध्वस्तीकरण होता है। पहले ये था, उसमें मिठाई जेसीबी से तेज दौड़ती थी क्या, तो वो गमले अमले गिरा के फोटो खिंचा चले जाते थे, उसके एवज में बालूशाही ले लेते थे। अब बालूशाही नहीं है तो मामला थोड़ा ज्यादा चौड़े में आ गया। एक मिश्रा जी, देखिए अमिताभ जी आप सही बोल रहे हैं जी। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले 70 सालों में इस देश में गुनाहों के इतने खलीफा गुनाहों के यहाँ पे पैदा हो गए, इलाहाबाद से लेके मऊ साउथ इंडिया हर जगह देखिए, वो इतने पावरफुल थे कि उनको कंट्रोल करने के लिए एक अकस्मात जो है न्याय प्रक्रिया में एक आविष्कार हो गया अचानक, ये जानबूझ के नहीं हुआ है बुलडोजर, अचानक ये आविष्कार हो गया। तो गुनाहों के जो खलीफा है उनको कंट्रोल करने में सक्षम अगर कोई है तो न्याय के देवता, जो बुलडोजर रूपी न्याय के देवता है, उनका ये अवतार हुआ है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने ये बोली, ठीक है न्याय प्रक्रिया वगैरह जो हो रही है, ध्वस्तीभूत हो रहे हैं वो है, बातों बातों में एक लाइन आपने बहुत सही बोला था कि अब बुलडोजर राजनीति में परमानेंट हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि पहले तो बुलडोजर से जो गुनहगार थे, जो गुनाहों के खलीफा थे, वो डर रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां अब डरने लगी हैं। अब वो सामने आकर के कोई बुलडोजर के सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि ये गलत है, हम नहीं चलने देंगे, हमारे लाश के ऊपर जाएगी। और ये चीज विचारणी है कि अगर न्याय प्रक्रिया को पालन करने के लिए बुलडोजर देवता को अगर लगाया जा रहा है, अवतरित हो रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों को इसमें क्या डर है। अगर कोई गुनाह का खलीफा है, उसने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित कर की है, तो विपक्षी पार्टियों के अंदर इतनी बौखलाहट बुलडोजर को लेके, ठीक बात है मिश्रा, आप भी क्यों है? आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया, मैं आऊंगा आपके पास। रुकिए भाई, दोनों रुकिए। एक मिश्रा, मैं भाजपा के लिए और सपा के लिए, और बसपा को भी जोड़ लो, कांग्रेस जोड़ लो, उनके लिए मुख्तार और अतीक अलग अलग किस्म के संदेशवाहक हो सकते हैं। मेरा स्वभाव में किसी को इतना बड़ा नहीं मानता। मेरे फ्रेम में मुख्तार अतीक का क्या लेना देना, वो छोटा संदर्भ है, चल अच्छी बात है, मैं खुश हुआ। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, ये जो 32-32 माले के ट्विन टावर गिराए जाएंगे, कितने 3 मई को या किस तारीख तय हो गई, ठीक, उनमें कई मतलब लगभग 500-700 करोड़ रुपया भी ध्वस्त हो जाएगा, ठीक, सीमेंट और लोहा और जो तमाम लेबर लगा, ठीक, देश का, उनको परमिशन नियमों के विरुद्ध अब तो तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान कह दिया कि हां अवैध है। समाजवादी पार्टी के शासन काल में और उससे पहले कुछ कृपा बहन जी के काल में हुई, मैं इसके पीछे लगा हूं, उस पर भाजपा की भी रुचि ने कि मुझे उन अधिकारियों के नाम बताओ। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के दस्तखत से तो बना नहीं, वो लोग कौन है, वो मजे ले, वो पंजीरी खाएं, ठीक, क्यों भाई क्यों खाएं। जब तक जड़ पर प्रहार नहीं होगा तो एक मुख्तार का पोस्टर बना कहां तक घुमाएंगे, क्या तमाशा भाई।
मैं पूछ रहा हूं तहसीलदार कौन था, पटवारी कौन था, एसडीएम कौन था, डीएम कौन था, मेरठ का कमिश्नर कौन था, नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन कौन था, ये कोई बताएगा कि नहीं? ठीक है मिश्रा जी, देखिए अमिताभ जी आपकी बात सही है और संविधान में या कानून में भी इस चीज का उल्लेख है, बड़ी साधारण सी बात है, हमारे सारे मित्रों को समझ में आ जानी चाहिए। कोई गुनाह या गलत काम होता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो जो डायरेक्ट उसको करता है, उसको अंजाम देता है, उसके ऊपर तो बुलडोजर चलना, न्याय का डंडा चलना बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन उस पूरे प्रक्रिया में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, चाहे वो क्लर्क हो, डीएम हो, एसडीएम हो, नेता हो, मंत्री हो, आपने देखा होगा कि मर्डर का कोई केस है तो जो भगोड़ा आदमी है जिसने मर्डर किया है उसको अपने घर में रखने, जो आदमी रखता है, प्रश्रय देता है, उसको भी कानून गिरफ्त में लेता है और उसको सजा का बराबर हकदार मानता है। तो न्याय की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक दोनों पक्षों को घसीट करके न्यायालय में खड़ा करके न्याय न किया जाए। आपने कानून तोड़ने वालों को आपने सजा दे दिया, बुलडोजर चल गया, जेल हो गई, सारी चीज हो गई, लेकिन पूरे प्रोसेस को ओके करने में जो लोग थे, क्लर्क से लेके बाबू, एसडीएम, डीएम, मंत्री, मिनिस्टर, उनके ऊपर एक ये एक बहुत बड़ी कमी है ना, तो प्रशासन ध्यान देता है कि वहां पे भी गले पड़ जाए। ये बात मोहम्मद तकी, बीजेपी का मामला निपट गया, ठीक है ना? हेमंत भाई रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बाबू आप भी रुको, एके मिश्रा बड़ा, अरे रुक जाओ तकी साहब, आप तो अरविंद केजरीवाल से भी तेज हो यार, रुक जाओ। एके मिश्रा जी, सरकारें या उनके मुखिया बड़ी प्रतिज्ञा उठा लेते हैं, ठीक, और उनकी नीयत भी साफ होती है भाई करना है, लेकिन सिस्टम तो बहुत कड़ियां जुड़ती हैं। वो सिस्टम जब जमीन पे आता है तो वो जैसे बस के पीछे लिखा रहता है, यूं तो ऐसे चलेगी, क्या वो चलता वैसे ही है। अब ये इलाहाबाद का दृष्टांत पूरे प्रदेश में घूमेगा व्हाट्सएप पर, लोग अंधे हैं क्या जिन्होंने अपनी आंखों से देखा? एक वाला ध्वस्तीभूत हो गया दूसरे वाले के और कह दिया जी चढ़ना चला दो बुलडोजर, अचानक से फोन आया बोले नहीं मोड़ लो बुलडोजर, ड्रामा कर रहे हो क्या कर रहे हो? एके मिश्रा जी ये तरीका नहीं ठीक होना चाहिए। नहीं बिल्कुल तरीका नहीं ठीक होना चाहिए। जिस तरीके से संपूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आया था, नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक ने, वैसे ही संपूर्ण न्याय, अगर देश में वाकई में न्याय की प्रतिष्ठापना करनी है, आपको ये लगता है या कोई पार्टी ये कमिट करती है और शपथ लेती है कि जी हम कानून व्यवस्था को लागू करेंगे, तो वहां पे इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। कौन रामलाल है, कौन श्यामलाल है, कौन क्या है, कौन सही है, कौन गलत, हाँ ये जरूर देखना चाहिए कि तर्क संगत तरीके से जो गलत है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, फिर चाहे फोन की कितनी ही घंटी घनघनाती क्यों ना रहे, बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए, न्याय की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन इस चीज को अमल करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा त्याग चाहिए। शायद मुझे ये लगता है, अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा पैदा हुआ है, अगर हुआ है तो केवल एक व्यक्ति के संकल्प से नहीं होगा, पूरी टीम को इस ये संकल्प लेना पड़ेगा, मतलब चयन में ऊपर से लेके नीचे तक। जो आपने अभी बोला कि मुख्यमंत्री के मंसूबों पे आप पलीता लगा रहे हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री जी बड़े न्यायप्रिय हैं, लेकिन पूरी टीम नीचे, इवन जेसीबी चलाने वाला भी, उसको भी जो है इतना करेज दिखाना पड़ेगा, बहुत साहस की ये बात होती है। और मैं समझता हूँ देश इस प्रतीक्षा में है कि कब इस तरह का साहस हमारा। अच्छा एक सवाल मैं सबसे लूंगा, एक सवाल मैं, ठीक है ठीक है, रुकिए एक मिश्रा, अगर राजनीतिक लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह है क्या, लेकिन 80-90% राजनेता जो है वो गंगा में भी खड़े होके कहे हैं तो भी सामने वाला अन्न नहीं खाता, वो नहीं देख रहा कि भैया का ये जो चौचक जलवा चल रहा है इसमें मुद्रा कहां से आ रही है, भैया नौकरी करते नहीं कोई, ये रहस्य आज तक मैं नहीं सुलझा पाया। मिश्रा जी क्षणिक लाभ से लगभग लगभग सब कोई प्रभावित हो जाता है, ऐसे ही कोई महायोगी होगा, चाहे जनता हो चाहे नेता हो, जो इन सब आडंबर से प्रभावित नहीं होता और मूलभूत प्रश्न के उत्तर की खोज में लगा रहता है कि भाई इसका इतना शानदार कुर्ता, अभी चुनाव लड़ रहा था तो फटी हुई चप्पल थी, अब चमचमाते हुए जूते कहां से आ गए। यही तो सवाल है कि जिस दिन, देखिए मैं एक चीज बोलूं, या तो टॉप से सुधार होता है या बॉटम से होता है, नेता नहीं सुधर रहे हैं तो कम से कम अगर जनता ही ये सोच ले
कि अगर कोई गलत चीज है तो हम उस प्लॉट को नहीं खरीदेंगे, हम घूस नहीं देंगे, हम कोई गलत काम ना करेंगे ना उसमें सहयोग देंगे। या टॉप की लीडरशिप अगर ये डिसाइड कर ले कि भाई हम गलत काम नहीं देंगे, चाहे वो हमारे नीचे का अधिकारी हो, हमारे यहाँ का नेता हो, सबको हम एक ही तराजू में तौलेंगे, तो शायद फिर ये डिबेट भी नहीं होगी कभी। ठीक बात। एक बात, कोई माइक अलाल इंक्रोच नहीं कर सकता। और जो बात एक मिश्रा कह रहे थे, एक के दधीच होने से काम नहीं चलेगा। ये तंत्र इतना निष्ठुर है, ये दधीच की हड्डियां भी ऑक्शन करा देगा।